हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा हुआ था, क्लियर। तो आज हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integers। तो देखिए, आप question देखते हैं कि question का meaning क्या है। question ये है कि every positive even integer जो होता है वो किस form में होता है, 2q के form में होता है, ऐसा question बोल रहा है, ठीक है। and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 कि जो odd positive integer होता है वो किस form में होता है, 2q plus 1 के form में होता है, where q is some integer, और यही हमें proof करना है। तो देखिए, इस type के questions को हम किस तरीके से solve करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, let a be any positive integer। हम suppose कर लेते हैं कि कोई a है जो कि क्या है, हमारा positive integer है, ठीक है। and b equal to 2, b की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, 2 सपोज की है। अब देखिए, b की वैल्यू 2 हमारी कैसे आ गई है ये हम देखेंगे। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे, कोई दो इंटीजर्स हैं जो कि क्या है, q और r है। अब देखिए, हमने क्या बोला कि b की वैल्यू हम क्या सपोज करते हैं, 2 सपोज करते हैं। क्यों सपोज किया कि देखिए, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, a इक्वल bq प्लस r होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2q, तो a इक्वल हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2q प्लस r की वैल्यू प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें 2q है तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 2q प्लस 1 है तो a इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस 1, मतलब रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लेट a be any positive integer and b equal to 2, then by Euclid division lemma there exist integer q and r such that। तो देखिए, Euclid division lemma से हमारा क्या होता था, a equal क्या होता था, bq plus r where 0 less than equal to r less than क्या होता था, b। अब देखिए, यहाँ पे a equal bq plus जो r है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a equal b की प्लेस पे कितना, 2q प्लस r अपनी प्लेस पे। अब देखिए, जो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे b की प्लेस पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन बनी हुई है इसका मीनिंग क्या है, ये जो कंडीशन है उसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि जो रिमाइंडर है, हमने पहले देखा था जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा हुआ था तो हमने बताया था कि ये किसको सेटिस्फाई करता है, रिमाइंडर को। रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ देखिए, जो रिमाइंडर r है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, मैंने क्या बताया था आपको कि या तो वो एग्जैक्टली 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन किससे लेस होगा, डिवाइजर यानी b से लेस होगा। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। तो जो r की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है, 0 और 1, कितनी वैल्यूज हो सकती है, यहाँ पे 2 वैल्यूज हो सकती है, बिकॉज लेस देन क्या है हमारे पास, 2 है। आप देखिए, हम देखेंगे कि अगर r की वैल्यू 0 होगा तब क्या हो गया और r की वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा। तो देखिए, if r equal अगर हम 0 पुट करते हैं तब क्या आएगा, a equal कितना आ जाएगा हमारा, a equal 2q अपनी प्लेस पे प्लस r की प्लेस पे 0। तो यहाँ पे a equal कितना आ गया है हमारा, 2 आ गया, a की प्लेस पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम If r equal कितना put करें, 1 put करें, r equal 1 put करें तो a की place पे कितना आ जाएगा, ये 2q plus 1 आ जाएगा। लेकिन हमें question में क्या बताना था कि every positive even integer is of the form 2q, कि even integer किस form में होता है, 2q के form में होता है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2q जो है वो even है, हम देखिए, हमें एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर के बारे में बात की थी, हम इसकी प्लेस पे कोई भी इंटीजर पुट करते हैं, ठीक है। अगर हम क्यू की प्लेस कितना पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, तो ये देखिए, एक कुल हमारा कितना आ जाएगा, 2 into 1 कितना होगा, 2, ए की प्लेस पे कितना आ गया, 2। ऐसे इसमें भी अगर हम 1 पुट करें, क्यू की प्लेस पे अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ए इक्वल
2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो देखिए आप कोई भी इंटीजर इसमें पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, एनी। ठीक है, तो हमने जब 1 पुट किया तो ये हमारा क्या आया, इवन। और जब हम इसमें 1 पुट किया तो यहाँ भी हमारा कैसा आया, ऑड आया। दैट मीन हमने जो सॉल्व किया है वो क्या है, करेक्ट है। इसका मीनिंग जो क्या होगा, एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए जो b की वैल्यू थी वो हम कैसे सपोज करेंगे, यहाँ पे 2 था इसलिए हमने इसको 2 रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसको क्या लेते, 3 लेते। 4 होता तो हम इसको क्या लेते, 4 लेते। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर क्यू। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब इसमें हमारे इवन या ऑड की बात नहीं हुई है, इसमें एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। कि कोई भी जो इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 3q के फॉर्म में हो सकता है, 3q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। और क्यू क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल कितना, 3। मैंने आपको बताया था कि b की वैल्यू हम कैसे सपोज करते हैं, यहाँ पे 3q गिवन है इसलिए यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, 3। डिवाइजर क्या हो जाएगा, 3। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट। क्लियर है? तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारी क्या होती थी कंडीशन, क्या होती थी, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। a इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, a इक्वल कितना हो जाएगा, b की प्लेस पे कितना है, 3। ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी की प्लेस पे हम कितना रखेंगे, इसमें 3 रखेंगे। तो देखिए आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती है, यहाँ पे या तो आर हमारा कैसा होगा, 0 होगा, या फिर आर हमारा 1 होगा, या फिर कैसा होगा, 2 होगा। क्यों, बिकॉज क्या दिया हुआ है इसमें, लेस देन 3 होगा। ठीक है, 0, 1, 2 जो आर की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या आ गई हमारी, 0 है, 1 है और 2 है। अब हम देखेंगे वन बाय वन हम वैल्यूज को पुट करेंगे कि इफ आर इक्वल टू अगर 0 होगा तब क्या होगा, देन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी, ए इक्वल 3q प्लस आर की प्लेस पे कितना रखेंगे हम यहाँ पे, 0। तो देखिए ए इक्वल क्या आ गया हमारा, 3q प्लस 0 कितना होता है, 3q। तो ए इक्वल हमारा कितना आ गया है यहाँ पे, 3q आ गया है। सेकेंड अब हम क्या करेंगे, इफ आर इक्वल कितना पुट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं। तो देखिए 1 पुट करने पे हमारा क्या आएगा, ए इक्वल 3q प्लस आर की प्लेस पे हम कितना रख दें यहाँ पे, 1। तो ए इक्वल कितना आ गया हमारा, ए इक्वल आ गया हमारा 3q प्लस 1। क्लियर है? नाउ थर्ड हम क्या रखेंगे, आर की प्लेस पे कितना रखेंगे, 2 पुट करेंगे। जब आर की प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए इक्वल 3q प्लस आर होता है तो आर की प्लेस पे कितना आया, 3 आया। आर की प्लेस पे कितना आया यहाँ पे हमारा, आर की प्लेस पे आएगा हमारा कितना, 3। तो देखिए आर की प्लेस पे कितना आएगा यहां हमारा, 3 आएगा। क्लियर है? ये क्या आ गया हमारा, a इक्वल 3। तो देखिए थर्ड हम क्या करेंगे, अब r की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। r की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, a इक्वल 3q प्लस r होता है, r की प्लेस पे यहाँ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया।
तो अब ये क्या आ गया, a इक्वल 3q+2। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2। कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो हमारा 3q के फॉर्म में होगा, या फिर 3q+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 3q+2 के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो हमने प्रूफ कर दिया है। आप चाहो तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, क्यू की प्लेस पे आप 1 पुट करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इक्वल कितना 3 × 1 कितना 3, a 3 × 1 कितना 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए q इक्वल 1 पुट करके a इक्वल कितना आ जाएगा 3 × 1 + 1, 3 × 1 कितना 3, और 3 + 1 कितना हो जाएगा ये 4। और यहाँ देखिए q इक्वल 1 रखेंगे तो a इक्वल 3 × 1 + 2, 3 × 1 कितना 3, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 होगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या फिर वो 3q+1 के फॉर्म में होगा, या फिर वो 3q+2 के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं, hence any positive integer is of the form 3q, 3q+1 and 3q+2। Now question number 3 है। देखिए question number 3 हमारा क्या है, show that any positive odd integer is of the form 4q+1 और 4q+3 where q is some integer। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि कोई भी positive odd integer, अब यहाँ पे mention किया गया है आपको किसके बारे में बात हो रही है, positive odd integer के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ना तो even के बारे में बात हुई है और ना ही any positive integer के बारे में बात हुई है। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो हमारा 4q+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 4q+3 के फॉर्म में होगा। और q क्या है, यहाँ पे हमारा कोई इंटीजर है। क्लियर है? तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट a be any odd positive integer। हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो a है वो क्या है, हमारा कोई odd positive integer है। And b equal to कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने देख लिया है कि b की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो b equal कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। Then by Euclid division lemma there exists integer q and r such that, किसके थ्रू करेंगे, Euclid division lemma के थ्रू करेंगे। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू क्या होता था, a इक्वल क्या होता था bq plus r वेयर q इज सम इंटीजर एंड 0 less than equal to r less than b होता था। ठीक है, तो a इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल b की प्लेस पे कितना 4, ये 4q+r आ जाएगा। एंड 0 less than equal to r less than b, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 less than equal to r less than b, b की प्लेस पे कितना 4। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो r है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो जो r है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 3 हो सकती है। लेस देन 4 है, दैट मीन्स कहाँ तक होगी, 3 तक वैल्यूज होंगी। अब हम देखेंगे 1 by 1 इसकी वैल्यूज को पुट करके। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे इफ r इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि r इक्वल टू अगर 0 होगा तब हमारा क्या आएगा, a इक्वल कितना आ जाएगा 4q plus 0। तो 4q plus 0 हमारा क्या होता है, 4q। तो a इक्वल हमारा कितना आ गया, 4q। क्लियर है? नाउ सेकेंड अब हम देखेंगे इफ r इक्वल टू कितना रखेंगे, 1। अगर हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आती है, ये 4q अपनी प्लेस पे प्लस r की प्लेस पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 1। तो ये क्या आ गया हमारा, a इक्वल 4q प्लस 1 आ गया। क्लियर है? नाउ थर्ड में हम देखेंगे r इक्वल कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। r इक्वल कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो a इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4q प्लस r की प्लेस पे कितना 2, r की प्लेस पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2। तो देखिए a इक्वल क्या आ गया हमारा, 4q प्लस 2 आ गया।
a equal 4q plus 2. सिमिलरली अगर हम if r equal कौन सा पुट करेंगे 3, r equal 3 पुट करने पे क्या आएगा हमारा a equal 4q plus 3 आएगा, ठीक है, a equal कितना आ गया 4q plus 3. लेकिन देखिए हमें क्वेश्चन में किसके बारे में बात हुई थी, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3, कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होता है. लेकिन यहाँ जो वैल्यूज आई है वो क्या क्या है, 4q भी है, 4q plus 1 भी है, 4q plus 2 भी है और 4q plus 3 भी है. तो देखिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं. अगर हम r की प्लेस पे, सॉरी q की प्लेस पे कितना पुट करें, q की प्लेस पे अगर हम इसमें 1 पुट करें, तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो है वो क्या आ जाएगी, a इक्वल 4 इंटू 1 कितना होता है 4. तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, इवन है, 4 क्या है, इवन है. दैट मीन्स हम इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है. अब q इक्वल यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो a इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, a इक्वल ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1. 4 इंटू 1 कितना 4, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5. ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है. नाउ इसमें हम पुट करेंगे q इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 2. 4 इंटू 1 कितना 4, प्लस 2 कितना हो जाता है हमारा 6 हो जाता है, प्लस 2 कितना हो जाता है 6. तो 6 हमारा क्या है, इवन है. तो हमें इवन की तो बात करनी ही नहीं है, हमें किसके बारे में बात करनी है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की. नाउ इसमें अगर हम q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, a इक्वल 4 इंटू 1 प्लस 3. 4 इंटू 1 कितना होता है 4, 4 प्लस 3 कितना होगा 7. 7 हमारा क्या है, ऑड है. तो हमने देखा है कि a इक्वल 4q प्लस 1 में और a इक्वल 4q प्लस 3 दोनों में ही हमारी कैसी वैल्यूज आ रही हैं, ऑड वैल्यूज आ रही हैं. इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है. क्या हुआ इसका मीनिंग, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 4q plus 1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में होगा, वो 4q या फिर 4q plus 2 के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होगा. क्लियर है.